अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं संसार के सर्वोच्च सुख के रूप में प्रसिद्ध भक्ति हूँ। मैं मानव को संसार के सर्वोच्च सुख भक्ति के द्वार तक पहुँचाने वाली पूजा हूँ। उधर देवी पार्वती की सखियों जया और विजया के मन में भी श्री महागणेश लीला के कारण पार्वती से मिलने की कामना ने जन्म लिया। हिमालय राज और महारानी मैना से आज्ञा लेकर उत्साहित जया और विजया कैलाश पधारी। देवी पार्वती की सखियों का कैलाश पे स्वागत है। महादेव, हम तो आपकी और पार्वती की सेविका के समान हैं। हमारा स्वागत करके हमें लज्जित ना करें शिव शंकर। कैलाशपति, हमारा मन अपनी प्रिय सखी पार्वती से मिलने के लिए व्यग्र हुआ, तो हम आपकी आज्ञा लिए बिना यह चली आई। देवी विजया, कैलाश में आने वाले को हमारी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसके भीतर यहाँ आने की भावना होती है, उसे हमारी आज्ञा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। इसी कारण हमारे कैलाश लोक में ना तो कोई द्वार है और ना ही कोई द्वारपाल। हमारी प्रिय सखी पार्वती कैसी है महादेव? देवी जया, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। इसका कारण मात्र इतना है, देवी पार्वती को इन दिनों एकांत अधिक प्रिय है। वे विगत कई दिनों से हमारे समीप भी नहीं आई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? हमारी प्रिय सखी पार्वती से आपके सम्मान में? नहीं देवी जया, कैलाश में ऐसा कुछ अन्यथा घटित नहीं हुआ। सत्य तो ये है कि ज्ञात होकर भी हम देवी पार्वती की एकांत कामना में बाधा पहुंचाने के इच्छुक नहीं है। एकांत कामना? हम कुछ समझे नहीं महादेव। आप दोनों देवी पार्वती की अभिन्न सखियां हैं। देवी पार्वती के समीप पहुंचकर आपको स्वयं ही उनकी एकांत कामना का ज्ञान हो जाएगा। आप दोनों देवी पार्वती की मानसिक स्थिति को लेकर चकित ना हो। आप बिना आज्ञा के ही उनके समीप जा सकती हैं। नंदीश्वर, आज्ञा भोलेनाथ। देवी पार्वती की प्रिय सखियों को उनके कक्ष का मार्ग दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ, आइए पधारें। मुझे भलीभांति ज्ञात है कि आप मुझे पुत्र रूप में पाने में हो रहे विलंब के कारण क्षुब्ध हैं। श्री महागणेश, आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। आपको पाने की व्यग्रता में अब मैं क्षुब्ध ही नहीं, व्यग्र और उद्विग्न भी हो गई हूँ। आप कब तक नियति का सम्मान करते हुए मुझे दिए गए वचन की उपेक्षा करेंगे श्री महागणेश? उपेक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता माता। सत्य तो यह है कि इस समय हम आपके पुत्र रूप में अवतार धारण करने की परिस्थितियों को ही उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात? माता, इस अर्थात का अर्थ शीघ्र ही आपके सम्मुख प्रकट होने वाला है। विश्वास करें माता, मेरे अवतार धारण करने योग्य परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है। अब विलंब नहीं होगा माता। माता पार्वती। सखी पार्वती, जया विजया, जया विजया, तुम दोनों कैलाश में?
तुम तो विवाह के पश्चात शिव शंभू के रंग में ऐसी रंगी कि हमारा ध्यान ही नहीं रहा। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से तुमने हमें पहचान तो लिया, हम धन्य हुए। वैन के ऐसे कठोर शब्द कहने वाली तुम दोनों, पहले मुझे ये बताओ, इतने समय तक तुम्हें मेरा स्मरण भी नहीं आया, कितनी निष्ठुर हो तुम दोनों। निष्ठुर हम भी हैं और तुम भी। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर, अपनी सखियों को देखकर देवी पार्वती प्रसन्न हुई अथवा नहीं? माता अति प्रसन्न हुई, प्रसन्नता से भाव विभोर होकर अपनी सखियों के गले लग गईं। उनको प्रसन्न देखकर भोलेनाथ मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। किंतु इस समय तुम प्रसन्न नहीं, उदास दिखाई पड़ रहे हो नंदी। क्या तुम्हारी प्रसन्नता केवल पार्वती के कक्ष तक ही सीमित थी? क्या तुम अपनी प्रसन्नता हमारे व शिवगणों के साथ बांटने के इच्छुक नहीं हो? प्रभु, मेरी उदासी का कारण कुछ और है। क्या हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते? आपसे किसके मन का रहस्य छुपा है भोलेनाथ? सत्य तो ये है कि मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि माता पार्वती इन दिनों उदास रहती हैं और आपसे भी दूर रहती हैं। न जाने किस विचार में खोई रहती हैं। भोलेनाथ, कुछ ऐसा उपाय करें कि माता पहले के समान सदा प्रसन्न रहें। आप मेरे निवेदन पर मौन क्यों हो गए स्वामी? नंदी महाराज, देवी पार्वती को प्रसन्न करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। उनके प्रसन्न होने तक अनेक नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जिस विश्वनाथ की कृपा से ये संसार चलायमान हो, उसके लिए क्या कठिन हो सकता है स्वामी? तुम सबकी प्रसन्नता के लिए देवी पार्वती को संतुष्ट करने का हम प्रयास अवश्य करेंगे। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। सत्य कहो पार्वती, हमने तुम्हारी एकांत कामना में कोई बाधा तो नहीं पहुंचाई? हमने तो सुना था कि विवाह के पश्चात सखियों में वैसी मित्रता नहीं रहती, किंतु तुम इतना बदल जाओगी, इसका तनिक भी हमें विश्वास नहीं था। पार्वती, हमसे तो तुम कोई बात नहीं छुपाती थी, सत्य कहो, तुम्हारा शिवशंकर से ना मिलने का क्या कारण है? हम तो तुमसे मिलने के लिए व्यग्र थी, और यही व्यग्रता हमें शिव आज्ञा बिना कैलाश ले आई, किंतु यहाँ की स्थिति देखकर हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तुमने स्वयं को एकांत में बंदी क्यों बना लिया है पार्वती? तुम्हारी एकांत कामना क्या है सखी पार्वती? बताओ ना सखी, तुम्हारी एकांत कामना क्या है? हो सकता है जिस प्रेरणा से हम यहाँ आई हैं, वो तुम्हारी एकांत कामना से ही जुड़ी हो। सखी, परमदेव श्री महागणेश मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करके मेरी जन्म जन्मांतर की मनोकामना पूर्ण करेंगे, परंतु अब तक उन्होंने अपना ये वचन पूर्ण नहीं किया। यही कारण है जया विजया कि अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं निरंतर उनका ध्यान करती रहती हूँ। मेरी जन्म जन्मांतर की अपूर्ण मनोकामना पर तुम दोनों मुस्कुरा रही हो। इस असमय हास्य का कारण? ये हास्य असमय नहीं है सखी, और हम तुम्हारी अपूर्ण मनोकामना पर नहीं हंस रही हैं। चकित न हो सखी, हम तो तुम्हारे निर्णय पर हंस रही हैं। निर्णय पर? तनिक ये तो बताओ कि पतिदेव से दूर रहकर तुम्हारी जन्म जन्मांतरों की मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? तुम दोनों के आने से पूर्व परमदेव श्री महागणेश अदृश्य रूप में यहाँ आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब उनके अवतार धारण करने में अधिक विलंब नहीं होगा, किंतु स्वामी की सेवा में जाने के लिए तो नहीं कहा उन्होंने मुझसे। अरे अरे, क्रोधित ना हो सखी, तुम्हारी इसी दृष्टि से तो हम सदा भयभीत रहती थी। क्रोधित ना हूँ तो और क्या करूँ, एक तो मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, और ऊपर से जब से तुम दोनों आई हो मुझ पर व्यंग के प्रहार किए जा रहे हो। इसका कारण जानती हो क्या है? क्या है?
ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक तुमने विधिवत श्री महागणेश की पूजा नहीं की। हाँ सखी, हमने सुना है कि श्री महागणेश बिना पूजा और आराधना के प्रसन्न नहीं होते। तुम दोनों बावली तो नहीं हो गई हो? मैं अपने होने वाले पुत्र की पूजा आराधना करूंगी। इस समय परम देव श्री महागणेश तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, वे अपनी इच्छा से इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं। सखी पार्वती, तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेकर भी परम देव श्री महागणेश उसी प्रकार पूजनीय रहेंगे, यही तो उनकी लीला है। इस लीला के रहस्य को समझो सखी। संभवतः तुम दोनों सत्य कह रही हो। तो सर्वप्रथम अपने मन में श्री महागणेश की पूजा और आराधना का संकल्प करो। चलो सखी, हम तुम्हें परम देव श्री महागणेश का विधिवत पूजन करने के लिए स्नान करवा दे। क्या तुम दोनों मुझे यहाँ स्नान करवाने आई हो? हम तो अपनी सखी से मिलने और उसके साथ रहने आई हैं। बाद में तुम्हें अपने साथ हिमाचल ले जाएंगे। तुम्हारी जन्म जन्मांतरों की मनोकामना पूर्ण करने में सहयोग देना हमारा सौभाग्य और परम कर्तव्य है। हमारी बातों की श्रृंखला तो समाप्त होने वाली नहीं है। चलो सखी, स्नान घर चल के स्नान करो। उसके पश्चात हम भी तुम्हारे साथ श्री महागणेश की पूजा आराधना करेंगे। माता, मेरे द्वारा उत्पन्न परिस्थितियाँ अब आपके सम्मुख आ गई हैं। सत्य माता, अब अधिक विलंब नहीं होगा। उस ओर स्नान गृह है, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। नंदीश्वर, नंदी महाराज। आया माता। प्रणाम। देखो नंदी, हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम यही द्वार पे रहना और किसी को भीतर नहीं आने देना। हमारे होते कौन भीतर आने का दुस्साहस करेगा। कैलाश आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। सखी पार्वती, महारानी मैना और महाराज हिमालय तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्यग्र हैं। हम कैलाशपति शिवशंकर से आज्ञा लेकर तुम्हें हिमाचल महल ले चलेंगे। सखी पार्वती, क्या तुम माता पिता से मिलने के इच्छुक नहीं हो? तुम्हें वहाँ से यहाँ आए कितना समय व्यतीत हो गया है सखी पार्वती, तनिक महाराज और महारानी की व्यग्रता का ध्यान करो। तुम्हें यहाँ की स्थिति भली भांति ज्ञात है, श्री महागणेश की आज्ञा का भी ज्ञान है। ऐसे में मैं यहाँ से नहीं जा सकती। आने जाने की बात हम फिर करेंगे, पहले स्नान करें। सत्य सखी पार्वती, कैलाश का वातावरण स्वप्न और कल्पना से भी अधिक सुंदर है। अगर तुम यहाँ आकर हिमाचल को भूल गई हो तो तुमने कुछ अनुचित नहीं किया। कैलाश से जाने का तो मन ही नहीं करता। हाँ पार्वती, कितना एकांत है यहाँ। यहाँ के कण कण में देवत्व की अनुभूति होती है। इस शांति का रहस्य क्या है पार्वती? द्वार पर नंदी खड़ा है, वही इस शांति का रहस्य है, और उसकी उपस्थिति में कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रणाम भोलेनाथ। नंदी, क्षमा करें भोलेनाथ, भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। किसे आज्ञा नहीं है? किसी को भी नहीं। किसी को भी? अर्थात? अर्थात महादेवी की आज्ञा है कि किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दिया जाए। क्षमा करें भोलेनाथ, मैं तो महादेवी की आज्ञा के वश में हूँ। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, तू महादेवी के लिए मुझे किसी और कोई में गिनता है? मैं महादेवी का पति हूँ,
ये तो सारा संसार जानता है कि आप महादेवी के पति हैं, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महादेवी की आज्ञा का पालन करते समय महादेव की आज्ञा का क्या होगा नंदी? महादेव की आज्ञा तो नंदी के लिए परम कर्तव्य है स्वामी। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मेरे मार्ग से हट जा नंदी। ऐसी आज्ञा ना दे भोलेनाथ जो महादेवी की आज्ञा के विरुद्ध हो। मूर्ख मूढ़ बुद्धि, तू संसार में मेरा सेवक मेरा वाहन कहलाता है, शिवांश से जन्म पाता है और आज्ञा महादेवी की मानता है। रहस्य की बातें तो मैं नहीं जानता भोलेनाथ, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि आप और महादेवी अभिन्न हैं। आप दोनों में अंतर करना महापाप है। बता नंदी, शिव और पार्वती में श्रेष्ठ कौन है? दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार हमें धर्म संकट में ना डालें भोलेनाथ, कृपा करके आप यहाँ से लौट जाएं। लौट जाऊं? बिना पार्वती से मिले लौट जाऊं? तेरी इच्छा के कारण? मेरी इच्छा के कारण नहीं, माता पार्वती की आज्ञा के कारण आप लौट जाएं भोलेनाथ। क्यों ना मैं तुझे ही लौटा दूं? चल हट जा मेरे रास्ते से। देवी पार्वती, तुम कहाँ हो? देवी पार्वती, स्वामी इस समय हम स्नान कर रहे हैं, आप कृपया यहाँ से चले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? शिव और पार्वती तो अभिन्न हैं, फिर ये हमसे संकोच क्यों? बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। जब तक मैं स्नान गृह में रहूं, कोई भीतर प्रवेश न करे, फिर स्वामी को तुमने रोका क्यों नहीं? रोका था माता, रोका था। रोका था? किसे रोका था? तुम्हारे रोकने से कौन रुका? स्वामी भीतर आ गए, तुम इसे रोकना कहते हो? मैंने भोलेनाथ से कहा था माता कि आप भीतर स्नान कर रही हैं, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने आपकी आज्ञा का बार बार उन्हें स्मरण कराया, किंतु वे मुझे त्रिशूल से धकेल कर भीतर चले गए। माता तुम किसी योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से।